हिमाचल के कांगड़ा के रहन छतर गांव की महिला ने ससुरालियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप यह भी है कि उसके गहने छीनकर उसे घर से बाहर निकाला गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2018 में कांगड़ा में बेदी गांव में हुई थी। विवाह के कुछ अरसा के बाद से ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट व दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह कुछ अरसे पूर्व भाई की शादी में अपने मायके आई थी और इस दौरान वह गर्भवती भी थी। लॉकडाउन के बीच ढील के दौरान उसके पिता उसे छोड़ने बेदी गांव में गए तो ससुराल वालों ने फिर मारपीट की, उसके गहने छीन लिए तथा उसको कमरे में बंद करके लात घूसों से मारा। इससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई। उसके बाद से वह अपने मायके में ही रह रही है। महिला का आरोप है कि अभी हाल ही में एक महिला फर्जी डीएसपी उसे धमकी दे रही है, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है। महिला ने बताया कि इस बारे में एसपी कांगड़ा व रहन पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। राइट फाउंडेशन के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष रोहित ने बताया कि महिला द्वारा उनकी संस्था से मदद की गुहार लगाई गई थी। संस्था महिला के साथ है। जिस महिला ने फर्जी डीएसपी बन पीड़िता को धमकाया है, उसकी शिकायत एसपी कांगड़ा को कर दी गई है। पीड़िता के पिता अशोक कुमार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी लड़की उनके पास रुक गई थी क्योंकि वह गर्भवती थी। ढील मिलने के बाद लड़की को छोड़ने गए थे, वहां पर उन पर उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई। वहीं पीड़ित युवती ज्योति उर्फ अलका ने बताया कि उसके ससुराल वाले हमेशा उसके साथ मारपीट करते थे और हमेशा कोई ना कोई डिमांड करते रहते थे। अभी फर्जी फोन द्वारा धमकियां दी गई। जो फोन आया वो मामी सास का फोन नंबर था और फोन करने वाली अपने आप को डीएसपी बता रही थी। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। किसी को छोड़ने गए थे घर, वो लॉकडाउन लगा हुआ था, हम मना कर रहे थे भाई आप ले जाओ, कह रहे नहीं आप ही आओ। हम पहली तारीख को उनको छोड़ने गए थे और जाते जैसे घर बरामदे में पहुंचे उन्होंने हमें धक्के देने बाहर शुरू कर दिया है, बाहर निकलो कहाँ से आए, ये होगा। फिर हमें मारा, फिर हमारी लड़की को मारने लगे। मैंने पूछा बात क्या है, क्यों मार रहे हो मेरी लड़की को, तो इस करके फिर हमको धक्के धुक्के दे के मार दिया इन्होंने। और लड़की को खींच के अंदर ले गए और हम अंदर जाने लगे तो धक्के दे रहे थे। फिर हम थाने चौकी में गए, वहाँ गगल में गए थे उनके पास, पुलिस लेके फिर लड़की को छुड़वाया वहाँ से और लड़की को हम वापस ले आए वापसी बार। और उसका जो ससुर था लड़की का, वो बोलता था कि एक केस तो हम पे चला हुआ है, दूसरा भी लग जाएगा तो क्या है, तेरे बाप को तो हम अच्छा से आपको सिखाएंगे, अगर जाए तुमने घर बोला किसी से कि हम तंग करते हैं। मेरी शादी 2018 में 5 मार्च को हुई थी। मैं बैदी गांव में मेरी शादी हुई थी। ऐसे ही मेरे मतलब ससुराल वाले घर पे मेरे साथ अत्याचार करते थे, गाली गलौज निकालते थे, हर वक्त परेशान करते थे, डिमांड भी करते थे मेरे साथ, और मतलब कि मारते भी थे मेरे को। मेरी सास भी मारती थी, मेरी ननद भी मारती थी मेरे को, और घर वाला भी उनके साथ ही लग जाता था मारने। ऐसे ऐसे मेरे को परेशान करते थे वो। तो फिर मतलब कि मैं अपने भाई की शादी पे आई थी 9 मार्च को, और इसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैं जा नहीं पाई। फिर उसके बाद मेरे को परेशान करते थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर मैं एक मई को अपने घर गई, ससुराल गई, मेरे पापा मेरे को छोड़ने गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, मेरे को मारा, मेरी ननद ने मेरे को मारा, सास ने भी मारा, और जो मेरे घर वाला था मेरे पापा छुटा रहे थे हमने, तो मेरे पापा को ही मेरे घर वाले ने थप्पड़ मारा, और मेरे भाई को भी मारा उन्होंने, और मेरी सास मेरे को घसीटती हुई लेकर कमरे में ले गई और मेरे को उन्होंने मारा। मेरे कान में जो बाली थी वो भी खींच ली, मेरे जो जेवर मैंने पहने थे वो भी खींच ली उन्होंने। मारते मारते उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ डाले, फिर उन्होंने कपड़े मार मार के उन्होंने मेरे कपड़े भी बदलाए उन्होंने मेरे, और मेरे को अंदर कुंडी लगाकर फिर मेरे को मारने लगे। और फिर मेरे पापा गए पुलिस को लेने गए, फिर पुलिस लेके आए, और पुलिस वाले ने मेरे को फिर अंदर से निकलवाया, उन्होंने अंदर से निकलवाया मेरे को। फिर मैं अपने घर वापस, फिर मैं अपने घर पे आ पाई। उन्होंने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया। फिर मैं प्रेग्नेंट भी थी, उन्होंने फिर इस हालात से मारे कि मेरे पेट में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लातें लगाई थी मेरी ननद ने और सास ने। तो मतलब कि मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था आप भी चलो मेरे साथ, आप मैं यहाँ पर नहीं रह सकती तो आप मेरे साथ चलो वहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने जाने से मना कर दिया, बोल रहे मैं नहीं तेरे साथ रह सकता। तो फिर मैं वहाँ से आ गई, और फिर
उन्होंने मेरे को मारा तो फिर मैं आते ही मैं बीमार हो गई। ऐसे ऐसे ही फिर मेरी हालत और ख़राब होने लगी। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब कि फिर मेरे को परेशान करते थे। 14 मई को फिर मेरे को फ़ोन आया, फिर मेरे को पुलिस वाली DSP बन के मेरे को धमकी दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। मेरी तो कोई भी बात नहीं सुन रही थी, वो बस यही बोल रही थी तूने अपना घर नहीं बसाना, उल्टा सीधा ही बोल रही थी मेरे बारे में। वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी मेरे को। फिर मेरे घर वाले के भी मैसेज आ रहे थे, वो भी मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे, वो भी मेरे को धमकियाँ दे रहे थे। आपको जो फ़ोन आया वो किस नंबर पर आया और किसका फ़ोन था वो? जो मेरे को फ़ोन आया था वो मेरी मामी सास का नंबर था, भगवान अगर होते हैं उनके घर पर। जिसने आप पर अत्याचार किया उनके नाम क्या है? मेरी सास गीता देवी, ननंद मेरी कविता देवी, हस्बैंड मेरे अमित कुमार, ससुर मेरे त्रिलोकनाथ, जेठ मेरे संजीव कुमार। ये सब भी मेरे को परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। जब भी मैं मायके जाती थी तो मेरे को ये बोलते थे क्या लेके आई है मायके से, क्या लेके आई है। मैंने बोला कि मैं क्या लेके आऊँ, मेरे पापा नहीं दे सकते इतना कुछ, जो भी उन्होंने जो भी सत्ता बनता था उन्होंने दिया मेरे को। जहाँ आपने कंप्लेन की है, जहाँ रहन में मैंने कंप्लेन की है, रहन में मैंने कंप्लेन की है, उनको मैंने अपना सारा बयान दिया उनको मैंने, जो मेरे जेवरत वगैरह सब कुछ ही निकाल लिया उन्होंने। एक्चुअली हमारी कंप्लेन आई थी राइट फाउंडेशन में 14 तारीख को कि इनका केस चला हुआ है, तो इनको धमकियाँ दी जा रही हैं ससुराल वालों की तरफ से। तो इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दी, मैंने उसमें देखा कोई DSP फर्जी DSP मतलब DSP का नाम लेकर इनको धमकियाँ दे रहा है। फिर मैंने DSP कांगड़ा को फ़ोन किया, सुनील अरोड़ा जी को, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप सारी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह भेजिए और एक कंप्लेन आप SP साहब को भेजिए। तो हमने कल SP साहब को कंप्लेन कर दी थी, तो उसके बाद DSP साहब और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और लड़की को न्याय दिलाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.